हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम ऐसी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि टॉप 7 यूनिकॉर्न कंपनीज है। इसमें ओपनिंग आई हुई है, किस तरीके से आपको इसमें जॉब मिलेगी और किस तरह आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें सैलरी पैकेज बहुत ही बढ़िया आपको दिया जा रहा है। हर एक कंपनी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बिल्कुल अलग अलग रहने वाली है। किस तरह अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होगी, सारा आपको ब्रीफ में बताऊंगी। और एक इसी के साथ आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इसमें आपकी रिज्यूम के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होने वाली है। किस बेसिस पे होने वाली है आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया आपके लिए आ चुकी है और आप में से 99% कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। किस तरह अप्लाई करना है सारा हम ब्रीफ में कवर करेंगे, जिसमें हम जो स्टार्ट करेंगे 7th अपडेट से करेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा आपके इस अपडेट के लिए एलिजिबल है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। मतलब वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने एक सेकेंड की वीडियो भी स्किप कर दी, आप बहुत कुछ स्किप कर जाओगे, तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन, सिटी या फिर लोकेशन के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वेबसाइट आप देख भी पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। और गूगल पे जब आप टाइप करेंगे, आप फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर मेन्यू में अलग अलग कॉलम भी बने हुए हैं अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, वहाँ से आप वैकेंसीज को सर्च करके अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रिक्रूटमेंट की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वालिफिकेशन ज़रूर बताना, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली भी वैकेंसीज आपको पता है मैं आपके लिए लेकर आती ही रहती हूँ, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी लोकेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। इससे माइंड में रहेगा कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर किस किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं। बात करें हम रिक्रूटमेंट की, टॉप 7 यूनिकॉर्न कंपनीज है जिसमें ओपनिंग आई हुई है। आपको अगर पता होगा लिंक्डइन की हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसमें जो भी टॉप कंपनीज होती है या टॉप स्टार्टअप्स होते हैं उसकी लिस्ट निकल के आती है। बट होता क्या है कि उसमें हायरिंग बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो टायर वन की जो हायरिंग है कैंपस से कर लेते हैं, या फिर उनके पास कुछ रिज्यूम होते हैं उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टेड करके हायरिंग हो जाती है। बट अब जॉब लेना बहुत ही इजी हो चुका है, क्योंकि रिज्यूम के बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया 7 तरह के अलग अलग अपडेट आए हुए हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी कंपनी का पहला अपडेट आया हुआ है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, वन बाय वन कवर करते जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें आपकी सिलेक्शन किस तरीके से होने वाली है और अप्लाई आप किस तरीके से कर सकते हैं। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम 7th अपडेट से स्टार्ट करते हैं। 7th जो अपडेट आया हुआ है वो आया है येलो मैसेंजर कंपनी की तरफ से। जैसे मैंने आपको बताया हर कंपनी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है अलग अलग पोजीशन के लिए है। इसके लिए जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, इसमें आपका जो CTC रहने वाला है 3 लाख से 10 लाख तक आपका CTC रहने वाला है, और बैकएंड डेवलपमेंट के लिए ये वैकेंसीज आई हुई है। इसमें अगर आपके पास स्किल्स है, जावास्क्रिप्ट की आपको नॉलेज है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, चाहे आप 12th पास भी है आप अप्लाई कर पाओगे। इवन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए जावास्क्रिप्ट के, अगर हम 7th अपडेट की बात करें उसी के लिए। और इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें CTC जो आपका है बहुत बढ़िया रहने वाला है, इसमें आपका 10 लाख तक CTC रहने वाला है, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अगर आप एलिजिबल है अप्लाई आपको ज़रूर से करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6th जो अपडेट आया है वो कौन सी कंपनी की तरफ से आया है,
तो 6 जो अपडेट आया हुआ है वो आया है रेजर पे की तरफ से। रेजर पे के बारे में अगर आप अवेयर होंगे, पेमेंट एंड फाइनेंस रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है, इसमें भी रिक्रूटमेंट आई हुई है जिसमें पैकेज बहुत ही बढ़िया आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपका 20 लाख से 24 लाख पैकेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एज अ फ्रेशर। बहुत ही बढ़िया पैकेज है, आपको पता है इतना पैकेज आपको कोई भी कंपनी नहीं देती है अगर आप फ्रेशर हैं। बट अब आपके लिए इजी हो चुका है जॉब को लेना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आगे मैं आपको बताऊंगी भी जॉब मिलेगी किस तरीके से आपको। तो सबसे पहले इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जॉब पोजीशन की बात करें तो इसमें जो वैकेंसीज आई हुई है, बैकएंड डेवलपमेंट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर स्किल्स है, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व किस तरीके से आपको करना है, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ये स्किल्स आप में होने चाहिए। और इसके अलावा आपको PHP, पाइथन, जावा या फिर C++ की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया फ्रेशर्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और जो रेजर पे का नोटिफिकेशन है, इसके लिए इन्होंने एक चीज़ ज़रूर मेंशन की हुई है कि सिर्फ 2021 वाले एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ अपडेट की, फिफ्थ जो अपडेट आया हुआ है अपग्रेड की तरफ से आया हुआ है, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें दो अलग अलग पोजीशन के लिए वैकेंसीज आई हुई है। अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। हर कोई कैंडिडेट आप में से अप्लाई कर सकता है जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। बाकी गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स आप में होने चाहिए, मीन्स किसी चीज़ को किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है वो स्किल्स आप में अगर है, आप इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं सिटीजी की बात करूँ तो 4 लाख से 10 लाख तक का आपका सिटीजी इसमें रहने वाला है। कोई एज की बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं, आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ इसके लिए अगर आप में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, चाहे वर्बल हो रिटन हो, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो अपग्रेड की तरफ से दो अलग अलग पोजीशन आई हुई है। सेकंड अगर पोजीशन की बात करें तो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आई हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आते हैं कि बैकएंड के लिए वैकेंसीज कब आएंगी, तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था अलग अलग पोजीशन के लिए आई हुई है रिक्रूटमेंट। तो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आप है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं, मेल है फीमेल है दोनों ही, इवन आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने स्किल्स होने चाहिए यूनिट, SQL, माइक्रो सर्विसेज, AWS, जावास्क्रिप्ट की अगर आपको नॉलेज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कंपनीज है सारी की सारी, आपको पता है, जिसमें रिक्रूटमेंट आई हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ कौन सी कंपनी है जिसमें रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो फोर्थ जो कंपनी है वो है क्रेड। क्रेड एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें $2.2 बिलियन है। इसके अलावा इसमें अगर हम पैकेज की बात करें 14 से 26 आपका इसमें पैकेज रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इन्होंने 0 से 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 0 मीन्स फ्रेशर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जिनको 1 से 3 ईयर का है वो अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। अदरवाइज फ्रेशर्स तो एलिजिबल है ही, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल कैंडिडेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो पोजीशन है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए वैकेंसीज आई हुई है, इसके लिए आपको अगर नॉलेज है रूबी, पाइथन, जावा, CPP, जावा स्क्रिप्ट की आपको नॉलेज है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड अपडेट की, नेक्स्ट अगर अपडेट की हम बात करें वो आया हुआ है क्योर फिट की तरफ से। क्योर फिट के बारे में अगर आप अवेयर होंगे, हेल्थ वेलनेस एंड फिटनेस का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसमें अगर हम बात करें CTC की तो इसमें आपका 5 लाख से 10 लाख तक आपका पैकेज इसमें रहने वाला है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी मतलब किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जो क्योर फिट का है अपडेट है, इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है आपके पास फार्मा का, हेल्थ केयर का या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का 2 से 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा आप इजीली किसी चीज़ को लर्न कर सकते हैं, आप में एबिलिटी है तो आप अप्लाई ज़रूर करना इस जॉब के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट और लास्ट अपडेट की,
वो आया हुआ है वेदांतु की तरफ से। वेदांतु के बारे में आप सारे अवेयर होंगे, जो कि एक ऑनलाइन ट्यूटर प्लेटफॉर्म है, इसमें रिक्रूटमेंट आई हुई है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें, बिजनेस डेवलपमेंट की वैकेंसीज इसमें आउट की गई हैं। 3 से आपका इसमें 6 लाख तक का पैकेज रहने वाला है। एज अ फ्रेशर अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है आप में, इसमें इंग्लिश में आपके स्किल्स होने चाहिए, चाहे वर्बल की बात करो, रिटन की बात करो। इसके अलावा सेल्स की एबिलिटी आप में अगर है तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज है जिसमें रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब नेक्स्ट इसके लिए बात आती है, सिलेक्शन कैसे होगी आपकी और इसमें क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का। तो ये जो सारी वैकेंसीज आउट की गई हैं रेलवे के अंडर, इसकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। रेलवे के बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, ये एक अनअकैडमी का ही प्लेटफॉर्म है। रेलवे की तरफ से आपका इसमें इस कंपनीज के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। जैसे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, आपको उसमें पहले एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर रहता है वो स्टार्ट होता है। तो इसमें भी आपकी एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि 1999 की है, जो इसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद इसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इवन लिंक भी मैंने आपको सीधा दे दिया है रेलवल का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 1999 का है, बट आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। बट उसके बाद क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, रेलवल के स्कोर के अकॉर्डिंगली कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट करेगी, जो जिस कंपनीज में ये रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपकी इसमें हायरिंग होने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन फ़ी दे रहे हैं तो आपकी जॉब कन्फर्म हो जाती है। जैसे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, सेम इसी तरह से इसको एग्ज़ाम को देने के लिए ये फ़ी रखी गई है, जिसके थ्रू ये टॉप जो यूनिकॉर्न कंपनीज मैंने आपको बताई है उसमें आपकी डायरेक्ट इसमें हायरिंग होने वाली है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अगर आप एलिजिबल है और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो सोचिए मत, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई हुई है मैंने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर दी है, आप चेक करके उसके लिए भी अप्लाई कर लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।